माई चैनल। सो दिस इज श्वेता हियर। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो को आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना। ओके, सो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ हाउ आई रिमूव माई फेशियल हेयर एट होम, वो भी एकदम नेचुरल प्रोडक्ट से। देर इज नो साइड इफेक्ट्स, नो नथिंग। सो अब आता है सवाल कि लाइक मैं इसमें क्या क्या यूज़ करने वाली हूँ, कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाली हूँ एंड द रिजल्ट्स ऑफ दिस मास्क। तो प्रोडक्ट्स में यूज़ करने वाली हूँ, आई विल नॉट रिवील दिस एट दिस टाइम। हाँ, उसके लिए आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। सो फॉर दैट विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम, जैसे कि आप देख सकते हो कि आई हैव लॉट ऑफ हेयर्स ऑन माई फेस। मास्क बनाने के लिए यू जस्ट नीड बेसन एंड रॉ मिल्क। इफ यू डोंट हैव अ रॉ मिल्क देन यू कैन यूज चिल्ड मिल्क एंड जस्ट मिक्स इट वेल विद अ स्पून। वी वॉन्ट लाइक दिस टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी एज यू कैन सी। द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ दिस मास्क इज एवरयूथ पील ऑफ मास्क। ये आपको कोई भी लोकल स्टोर या फिर मेडिकल में मिल जाएगा। इसका कॉस्ट सिर्फ 15 रुपीज़ है। देन जस्ट ऐड दिस इनटू योर मिक्सचर। डोंट वांट ज़्यादा, लाइक वी वांट ओनली दिस मच। जस्ट स्टर इट वेल एंड वी वांट दिस टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी। Then just simply apply the paste on your face evenly all over the face। ये face mask आपके face पे as a duplex की तरह काम करेगा, like बेसन आपके face को ब्राइट करने का काम करेगा as well as आपके facial hairs को भी remove करेगा and peel off mask से आपके facial hairs को निकलने में और भी मदद होगी and आपकी skin से ये सारा dirt निकाल देगा। So let it set for at least 20 to 20 minutes. After 20 to 20 minutes आप देख सकते हो कि मास्क पूरा मेरे फेस पे अच्छे से चिपक गया है। So now just अब हम इसे निकालते हैं। See, आपको ये पूरा तो नहीं निकल सकता, ये ऐसे ही टूटा मूटा छोटा मोटा निकलेगा। एज रेगुलरली जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इसको खींचना। सीधे छोटे छोटे बाल यहाँ निकल रहे हैं। जिस जगह का मास्क नहीं निकल रहा है उस जगह पे ज़्यादा हार्ड होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट टेक अ कॉटन क्लोथ एंड डिप इट इनटू अ वाटर एंड देन जस्ट रब इट स्लोली स्लोली। ओके, सो आफ्टर वॉश माय फेस लुक एट माय स्किन नाउ। सी, छोटे छोटे बाल सारे रिमूव हो गए हैं। And the glow on my face, it just amazing. Then I'm just applying aloe vera Patanjali gel for just moisturizing. You can use any of your favorite moisturizer. Okay, so आपने देख लिया होगा कि मैंने क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करे जो, और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी रेडनेस नहीं आएगी एंड इट्स लाइक आप ये मत सोचना कि लाइक फर्स्ट टाइम लगा रहे हो सारे बाल ऐसे तो नहीं हो सकता, राइट। तो इसलिए आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, आपको वीक में दो से चार बार लगाना पड़ेगा सो दैट तभी आपके जाके थोड़े थोड़े बाल निखरने लगे। ओके, टिल देन बाय, आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियोस। But before that, don't forget to subscribe and like my channel.